नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। 28 जनवरी यानी कि कल बिहार बंद रहेगा। बिहार बंद का ऐलान छात्र संगठन आइसा और नौजवान संगठन इनोस ने किया है। चलिए अब आपको बिहार बंद करने की वजह बताते हैं। दरअसल बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्र नाराज हैं। वो बिहार के कई जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन को भुनाने के लिए छात्र संगठन आइसा और नौजवान संगठन इनोस सड़क पर शुक्रवार को उतरेंगे। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के रिजल्ट में धांधली हुई है और ग्रुप डी की परीक्षा में एक की जगह दो परीक्षाएं लेने का फरमान जारी किया गया। हालांकि जब इस मामले पर विवाद हुआ तो रेलवे प्रशासन की तरफ से मामले में जांच कमेटी बनाने और ग्रुप डी की परीक्षा को स्थगित करने की बात कही गई, लेकिन छात्र इसे महज आश्वासन का झांसा बता रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसी के दबाव में सरकार और रेलवे का ये प्रस्ताव आया है और चुनाव तक इस मामले को टालने की साजिश रची जा रही है। बात करें बिहार बंद के ऐलान की तो आइसा इनोस नेताओं की मांग है कि रेल मंत्रालय 7 लाख संशोधित रिजल्ट फिर से प्रकाशित करे। उन्होंने कहा कि ये समझ से परे है कि ग्रुप डी तक की नौकरियों के लिए दो परीक्षा क्यों होंगी। इसमें भी अभ्यर्थियों की साफ मांग है कि पहले के नोटिफिकेशन के आधार पर केवल एक परीक्षा ली जाए और दूसरे नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। अब इस मांग पर रेलवे विभाग का क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।